लोमड़ी की चाल। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे। जंगल का राजा शेर एक दिन भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी वहां एक शिकारी शेर का शिकार करने आया। जैसे ही उसने शेर पर तीर मारा, वो तीर जाकर एक पेड़ पर लग जाता है। ये देखकर शेर वहां से भाग जाता है और भागते भागते अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में थोड़ा सा पानी था। शेर बहुत चिल्ला रहा था पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जंगल के सारे जानवर समझ रहे थे कि शिकारी शेर का शिकार करके ले गया है। सारे जानवर इस बात से उदास थे। जैसे ये बात लोमड़ी को पता चलती है, वो जोर जोर से अपने आप में बातें करने लगती है। अरे जंगल का राजा मर गया, अब इस जंगल का राजा मैं बनूंगी। मुझे बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा, लेकिन मेरे मुकाबले में बाघ और हाथी भी तो हैं। एक काम करती हूँ, मैं उन दोनों के बीच में लड़ाई लगा देती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तब तो अकेली मैं ही बचूंगी इस जंगल का राजा बनने के लिए। इस तरह लोमड़ी जोर जोर से अपने आप से बातें कर रही थी। ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ चूहा सुन लेता है। लोमड़ी बाघ के पास जाती है और चूहा लोमड़ी का पीछा करता है। बाघ के पास जाकर वो बाघ से कहती है, आपको ये बात मालूम है कि इस जंगल के राजा शेर का शिकार हो चुका है। वो दो दिन पहले मार दिया गया है। उसके बाद अब हाथी जंगल का राजा बनना चाहता है। मैं तो ये कह रही थी कि आपके होते हुए हाथी कैसे राजा बन सकता है, आपसे ज्यादा बलवान थोड़े है वो। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर चूहा जाकर हाथी को बताता है और हाथी और चूहा बाघ से मिलने आते हैं। रास्ते में उन्हें शेर की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों गड्ढे के पास जाकर देखते हैं कि शेर गड्ढे में पड़ा हुआ है और मदद की पुकार कर रहा है। शेर को ऊपर खींच लेता है। शेर हाथी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं दो दिन से इस गड्ढे में पड़ा था और पानी पीकर जिंदा हूँ। महाराज की बात सुनकर हाथी कहता है, महाराज लोमड़ी ने आपको जंगल में ना पाकर राजा बनने की उत्सुकता बाघ के अंदर भी डाल दी और अब मेरे और बाघ के अंदर लड़ाई कराना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को मार दे और वो इस जंगल का राजा बन जाए। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है। मैं अभी जिंदा हूँ, जाओ जाकर बाघ से कहो और लोमड़ी की सारी चाल बाघ को बताओ। हाथी और चूहा दोनों जाकर बाघ को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। लोमड़ी की इतनी मजाल, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इतने में लोमड़ी दूर से ही हाथी और बाघ को देखती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। बाघ लोमड़ी को देख लेता है और अनजान बनकर हाथी से कहता है, अगर मुझे कहीं लोमड़ी दिखी तो मैं उसे कच्चा ही खा जाऊंगा। वो खुद को समझती क्या है, हमें बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रही थी। लोमड़ी को पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। वो तुरंत वहां से भाग लेती है और फिर दोबारा पलटकर कभी जंगल में नहीं आती। कई बार किसी और की बातों में आकर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लालची बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही नटखट था। एक दिन बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था। बंदर घूम घूम कर थक गया पर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। तब बंदर ने मन ही मन सोचा, अरे इस जंगल में भी पेड़ पर फल नहीं है, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है। लगता है कहीं दूर जाना पड़ेगा, पर अब तो मैं थक गया हूँ। इस तरह बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसे एक आम का पेड़ नजर आता है। बंदर आम के पेड़ को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे भगवान इतना बड़ा और ऊंचा आम का पेड़, मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। अब कैसे इस पेड़ पर चढ़ूं और आम तोड़ूं, किसकी मदद लूं? कि तभी एक हाथी उधर से गुजरता है। बंदर हाथी को देखकर हाथी से कहता है, दोस्त
मैं चल चल कर थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? मेरी बहुत मदद होगी। बंदर की बात सुनकर हाथी गुस्से में बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर चढ़कर आम तोड़ोगे? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? पेड़ चढ़ने के लिए तुम में हिम्मत नहीं है और तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे? हाथी गुस्से में कहता है, सच में दोस्त, मुझे पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, इसलिए मैं तुम पर चढ़कर आम तोड़ना चाहता हूँ। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। तभी उधर जिराफ आता है। बंदर जिराफ से कहता है, दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत देर से खाने की तलाश में हूँ। चल चल कर मेरे पैर बहुत थक चुके हैं। अब मैं इस आम के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो इतने लंबे हो, क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? बंदर की बात सुनकर जिराफ गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर चढ़ोगे? मैं लंबा हूँ तो क्या तुम्हारे लिए लंबा हूँ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दोस्त, मैं तुम्हें चढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम मेरी मदद कर दो, कुछ आम तोड़कर मुझे दे दो, मैं चढ़ नहीं सकता। मुझे बहुत काम है, हटो मेरे रास्ते से, जाना है मुझे। बंदर खुद ही परेशान होकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे आम हैं। सारे आम तोड़कर ले लेता हूँ, फिर मुझे कल यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर बंदर सारे आम तोड़ लेता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक केले का पेड़ नजर आता है। बंदर केले के पेड़ को देखकर लालच में आता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इतने सारे केले, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। आम और केले मुझे कुछ दिनों का भोजन देंगे, भोजन की तलाश में घूमना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर बंदर आम को एक पेड़ के नीचे रखकर केले के पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ एक भालू आकर सारे आम खाकर चला जाता है। बंदर जब पेड़ पर चढ़ता है तो उसे एक भी केला नजर नहीं आता। तो बंदर एक केला तोड़कर नीचे उतर आता है और जब नीचे उतर कर देखता है तो सारे आम जा चुके होते हैं। बेचारा बंदर बहुत उदास हो जाता है और उसे अपनी लालच की गलती का एहसास होता है। लालच करना हमेशा बुरी बात होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।